नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी एक ग्राम पंचायत सचिव हो तो आप अपना एम्प्लॉय कोड किस प्रकार से चेक करें। आइए संपूर्ण प्रक्रिया देख लेते हैं पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है आपकी पंचायत दर्पण वेबसाइट जो कि prd.mp.gov.in है। अगर आप चाहें तो मोबाइल से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको पीसी के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन पोर्टल से ये कुछ करना होगा सारा प्रोसेस। तो आइए हम ओपन कर लेते हैं इस पोर्टल को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपको जाना होगा एक ऑप्शन में ओपन पोर्टल पे ही, ये आपको दिख रहा होगा इधर पे पंचायत, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना एम्प्लॉय कोड जानना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको कुछ इस प्रकार के सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको जाना होगा मानव संसाधन में, आपको मैं इधर पे मार्क कर देता हूँ दोबारा से, इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा। देन आपको सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है कार्यालय बार कर्मचारियों की जानकारी, इसमें ही आपका एम्प्लॉय कोड शो होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपना जिला एंटर करना होगा इधर पे, जो भी आपका जिला हो। मैं अपना जिला एंटर कर लेता हूँ और इधर पे कैप्चर कोड फिल कर देता हूँ। ऐसी ही जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो अपने जो भी कर्मचारी हों सचिव साथी उन सभी कर्मचारियों को आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि सभी को अपना अपना एम्प्लॉय कोड पता चल सके कि हमारा एम्प्लॉय कोड क्या है। सूची देखने पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपनी जनपद इधर पे चुन लेनी है। मैं इधर पे अपनी जनपद चुन लेता हूँ, जो भी आपकी जनपद हो आप इधर पे चुन लीजिए। और जैसे मान के चलिए मैं चौथे नंबर वाले पर क्लिक कर रहा हूँ तो 231 पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस प्रकार की सूची नजर आएगी। अब आपको मानव प्रबंधन में क्लिक करना होगा। आप जिस भी कैटेगरी के एम्प्लॉय कोड देखना चाहते हो आप इस पर देख सकते हो। जैसे जनपद सीओ का तो आप इधर पे देख सकते हो जनपद सीओ महोदय का, और अगर आप इंजीनियर महोदय का देखना चाहते हो तो इधर से आप इंजीनियर महोदय पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप ग्राम रोजगार सहायक महोदय का देखना चाहते हो तो आप इधर से देख सकते हो। सचिव महोदय का अगर आप देखना चाहते हो तो आप इधर से देख सकते हो। तो मैं ग्राम पंचायत सचिव महोदय का देखना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इधर जिला सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने अपना जिला सेलेक्ट कर लिया है, देन जनपद, देन इधर पे मैं देन डिपार्टमेंट में मैं इधर पे करूँगा सचिव व्यवस्था, देन सेक्रेटरी ग्राम पंचायत पर मैं क्लिक करूँगा और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरी जितनी भी ब्लॉक में रजिस्टर्ड एम्प्लॉय होंगे उन सारे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड मेरे पास इधर पे शो होने लगा है। आप जैसे देख सकते हो मैं इधर पे देख पा रहा हूँ एक ग्राम पंचायत सचिव महोदय का एम्प्लॉय कोड। ऐसे ही आप इस लिस्ट में जो भी आपका एम्प्लॉय कोड हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी इस कोड की ज़रूरत पड़े तो आप कहीं भी फिल इसको कर सकें। तो दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।